सर आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। नंदलाल पटेल, सप्लाई इंस्पेक्टर गाजीपुर। सर किस गांव में आप आए थे? बलिया ग्राम सभा में। सर यहां पे मामला क्या था? मामला यहां कोटे की शिकायत थी कि कोटेदार द्वारा जो है खाद्यान्न का एक बिंदु वितरण नहीं किया जाता है, कालाबाजारी की जाती है कुछ यूनिटों का, उसी की जांच। बहुत सारे लोग थे, आपने बयान भी दर्ज किया, लेकिन बीच में हमने देखा कि अफरा तफरी की भी स्थिति बीच में आ चुकी थी। गांव में विवाद जैसी स्थिति थी, लेकिन सबको जो है शांत करके जो है जांच की कार्रवाई लगभग संपन्न की गई है। प्रथम दृष्टया क्या लगा? सरकारी स्कूल में मास्टर ठीक ही लगा है, कुछ न कुछ तो अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर किस तरह के मैदान करना, वो तो जो भी मिलेगा नियमानुसार विभागीय कार्रवाई। चलिए शुक्रिया सर। बता दीजिए आप। मैं सुनील राय, ग्राम पलिया जनपद गाजीपुर। अभी आपके शिकायत पर जांच आई थी, किस तरह से देख रहे हैं आप? अब जांच जिसमें कि मैंने 16 तारीख को शिकायत किया था, 17 तारीख को 32 यूनिट जो मृतक है फर्जी तरीके से राशन उतार रहे हैं, 32 लोगों का नाम काट दिया गया 16 अगस्त को। तो मैंने फिर 3 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को फिर पुनः अप्लीकेशन दिया, उसी पर जांच चल रही है आदेश पर। अभी देखा जाए तो उभय पक्षों के मध्य एक तूतू-मैं-मैं की स्थितियां बन रही जी, इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसको जो गलत उतार रहा है वो तो चाहेगा कि जांच को प्रभावित करे, अल्लाह पकड़ करके किसी तरह जांच ना हो जाए उसमें। अगर इस जांच से आप संतुष्ट नहीं होते तो आगे की क्या? आगे की कार्रवाई मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, फिर हाई कोर्ट है। चलिए आरोप। इंद्रजीत यादव, ग्राम सभा पनिया प्रतिनिधि। आपके यहाँ अभी जांच आई थी, किस तरह से दिखते हैं इसको? हम देखते हैं कि जिसमें मृतकों और अपात्रों का राशन उतारा जा रहा है, उतार कर इसका बंदरबाग किया जा रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते आप एक जिम्मेदार पद पे जी, और आपके द्वारा किस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई? प्राप्त हुई थी, हमने उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया था, लेकिन इससे पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तथागत इन्होंने सुनील राय ने इस पे अप्लीकेशन दिया, उसके बाद ही जांच की कार्रवाई की जा रही है। अभी जांच आई थी उसको किस तरह से देखते? अभी जांच को देखिए, मजिस्ट्रेट साहब आए थे, नायक साहब, अब देखिए उसमें क्या रिपोर्ट लगाते हैं, सही लगाते हैं कि गलत लगाते हैं। गलत लगाते हैं तो उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा भगदड़ की भी स्थिति बनी थी जी, भगदड़ की। अब जैसे कोई चोरी किया है तो अपना चोरी छुपाना चाहेगा, तो भगदड़ करेगा ही करेगा। चलिए बहुत शुक्रिया। राकेश कुमार गुप्ता परिचय है, और मेरे ये चाचा जी हैं जिनके नाम से दुकान चलती है, जयप्रकाश राम, जो पलिया नया पंचायत के अंतर्गत पड़ती है जी। यहाँ पे अधिकारी आए थे जी, अधिकारी आए और जो कि आरोप लगे हैं आप लोगों पे जी जी, घटतोली के या जो भी आरोप जी जी जी, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सर कोटेदार के पिता भाई साहब लगातार 15 वर्ष से प्रधान रहे हैं, चुनावी रंजिश को लेते हुए कुछ लोग गलत तरीके से कह रहे हैं राशन जो मिला है, क्योंकि सरकार ने ऐसी मशीन दी है कि जब तक अंगूठा नहीं लगेगा और तब तक वजन नहीं होगा, बिना वजन पर उसका राशन खारिज नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग को चुनावी रंजिश में कुछ लोग विपक्ष फंसाना चाहते हैं।